करूंगा रेगुलर, क्योंकि बीच में कुछ काफी पिछले दो चार महीनों में मेरी लाइफ में काफी कुछ चेंजेस हुए हैं प्रोफेशनली ही। और अभी लास्ट वीक में एक क्लास ले रहा था बीए फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की कॉलेज में, तो मुझे एक टॉपिक क्वेश्चंस आए, और खासतौर से लड़कियों में ज्यादा आए क्वेश्चंस के, ये कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है, क्योंकि उन लोगों ने कहीं इंटर्नशिप करी थी, कुछ उनको लगा कि किस तरह वहां किसी ने उनको कुछ बताया होगा, अच्छे बुरे दोनों एक्सपीरियंस उन्होंने अपने शेयर करे। तो हमें पहला जो बात करेंगे हम करेंगे कॉर्पोरेट कल्चर पे, दूसरा हम बात करेंगे कि मेरी लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, और तीसरा और इम्पोर्टेंट कि ये चैनल आप लोगों को क्यों लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना है, ताकि मैं जो अपडेट करता हूं वो आपके किस काम आएंगे। तो हम शुरू करते हैं, व्हाट इज कॉर्पोरेट कल्चर। देखिए एक बड़ा एक सिंपल सा बहुत ही आसान भाषा में मैं आप लोगों को समझाता हूं कि कोई भी बंदा, कोई भी हो सकता है एक्स वाई जेड, अगर वो 10,000 रुपए लगा के भी बिजनेस शुरू कर रहा है तो उसका ये उम्मीद होती है कि वो आगे वो 10,000 को 20,000 को 30 लाख, 2 लाख, 5 लाख, करोड़, इस तरह ग्रो करेगा बिजनेस। वो कभी ये नहीं शुरू करेगा कि मैंने 10,000 लगाए, 6 महीने में ये 3,000 बचेंगे और मैं बिजनेस बंद कर दूंगा। तो जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है कुछ चीजें सेट हो जाती हैं, कुछ बिहेवियर सेट हो जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वहां कहीं रिटर्न रूल कुछ नहीं होता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले आप और मेरी तरह जो लोग होते हैं, यही उस कल्चर को बनाते हैं। अच्छा, यंगस्टर के लिए मैं एक चीज बताता हूं, कॉर्पोरेट बहुत वार्म वेलकम करते हैं सबको, वहां कोई जो लोग डराते हैं या जो कहीं इफ एंड बर्ड्स बताते हैं, जो नेगेटिविटी बताते हैं, हर जगह पॉजिटिव नेगेटिव जैसे कॉइन के दोनों साइड होते हैं, ये होता है, लेकिन पॉजिटिव इतना बड़ा है कॉर्पोरेट्स में कि नेगेटिविटी बहुत छोटी सी होती है। किसी 50 लोगों का स्टाफ अगर एक ऑफिस में काम कर रहा है तो एक आध बंदा कोई इस तरह का होगा जो कि नेगेटिव होगा, अदरवाइज 49 आई कैन श्योर, आई कैन गारंटी यू कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड के होंगे, पॉजिटिव माइंडसेट के होंगे और आपको अच्छे से कोच करेंगे, गाइड करेंगे। तो जो भी लोग ये देखते हैं कि कॉर्पोरेट कल्चर एक हवा बना के रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे ट्रेडिशंस डेवलप होते हैं कॉर्पोरेट में, आप उन चीजों को देखिए, बुराई की तरफ देखिए ही मत, आप उसको सब्सिडी दे दीजिए ना। आप हम लोग ये कहें कि अगर कोई अच्छी चीज हो रही है तो उसको हम ज्यादा वेटेज देते हैं रादर देन कोई खराब चीज को। और हर बुरी चीज, हर जो एडवर्स चीज आपके लिए आएगी, जस्ट टेक इट एज अ चैलेंज और उसमें ग्रो करके दिखाइए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपना बता रहा हूं, मेरे साथ करियर में बहुत बार ऐसा हुआ, आई डोंट नो क्यों हुआ बट होता था, और मैं उसको कभी भी दिमाग में नहीं, किसी से शेयर भी नहीं करता था कि मेरे साथ ये हो गया या मुझे उसने इस तरह डिमोटिवेट करा, ये करा। मैं यही सोचता था कि यार इसने ये करा है ना कोई तो लॉजिक होगा, तो कुछ होती है छोटी मोटी सच्चाई, मैं उसको सीढ़ी बनाता हुआ। और मैं एक चीज बहुत अच्छी आपको बताऊंगा, हमारे जो करंट प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको उन्होंने एक बात कही थी इंटरव्यू में, देखा तो बहुत अच्छी लगी, आप लोग भी देखिए, कि कोई अगर आप पे पत्थर पड़ता है तो उन सबको कलेक्ट करो और उसकी सीढ़ियां बना के चढ़ते रहो। तो मैं एक ऑफरऑल एग्जीक्यूटिव से नेशनल हेड बन के और अब अपना बिजनेस कर रहा हूं, तो इसी तरह से कर रहा हूं। तो जस्ट बी पॉजिटिव और पॉजिटिविटी के साथ हर चीज लो, अगर कोई फीडबैक आता है तो उसको पॉजिटिविटी के साथ लो, कोई कंप्लेंट आती है तो करोगे दोबारा नहीं आए, और आपके ग्रोथ का कैरियर ग्रोथ का जो पाथ है आपका, वो आप उस पर चलते रहोगे, आपसे वो कोई नहीं ले सकता। लव योर जॉब नॉट योर कंपनी, जो आप करते हो स्किल्स जो आप स्किल्स डेवलप करो अपने। तो यही है कॉर्पोरेट कल्चर का। अब पॉइंट नंबर टू, मेरी लाइफ में क्या हुआ है। देखिए मैंने 2000 अगस्त में जॉब छोड़ के बिजनेस शुरू करा था, अभी तक बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, आज भी मैं यहां अपने ऑफिस में बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है यूनाइटेड किंगडम में,
वहाँ एक फार्म मशीनरी की बड़ी कंपनी है, उसमें मैं एज अ कंसल्टेंट उनको रहूंगा वहां पर कि किस तरह की फार्म मशीनरीज इंडिया में चलती हैं, वो लोग यहाँ भी कुछ एक्सपेंशन का प्लान है उनका, और वहां किस तरह सेल्स पिच, जो यहाँ की सेल्स पिच है वहां किस तरह दी जाएगी, क्योंकि अब लेबर शॉर्टेज यहाँ भी बहुत है, वहां भी होने लगी है, तो मशीनरीज पे फोकस ज्यादा रहता है। तो मैं इसके लिए मूव कर रहा हूँ, जो कि मेरे फार्म ट्रैक्टर और फार्म मशीनरी का बिजनेस है वो यहाँ एज इट इज रहेगा। वर्कशॉप ऑटोमेशन वाला बिजनेस मैं वहां भी एस्टेब्लिश करूंगा। तो एक अच्छी बात यह है कि जब मैं वहां जा रहा हूँ और मेरे पास एम्प्लॉयमेंट होंगे, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तो बहुत सारे आप जैसे मेरे दोस्त जो मुझे वहां चाहिए, तो मैं जब प्रायोरिटीज आएगी तो आप लोगों को ही मैंने सिलेक्ट करना। अब तीसरी बात ये जो मैं कह रहा था कि आप लोगों को ये वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब क्यों करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब मैं वीडियो बनाऊंगा मैं आप लोगों को हर वीडियो में एक दो जॉब की डिटेल्स, जो भी रिक्वायरमेंट वहाँ जॉब रिक्वायरमेंट्स आएंगे उनकी डिटेल्स डालूंगा। आप लोग अगर फिट होते हो तो आप प्लीज मुझे अपना रिज्यूम भेजिए, आई विल शेयर इट टू द कंसर्न एंड कोशिश करूंगा कि जो भी बेस्ट कैंडिडेट होगा आप लोग सब लोगों में से उसको हम वहाँ जल्दी से जल्दी बुलाएं। मेरा जो टारगेट है एटलीस्ट मैं साल में 40 बंदों को वहां, यानी पर मंथ 3 बंदों को रिक्रूटमेंट, मिनिमम 3 रिक्रूटमेंट पर मंथ में यहाँ से इंडिया से मंगाऊंगा लूंगा, क्योंकि मैं अपनी कंपनी को भी एक्सपेंड करूंगा और जहां मैं एज अ कंसल्टेंट होता हूँ उन लोगों को भी मदद दूंगा। तो डू लाइक सब्सक्राइब और शेयर दिस वीडियो टू ऑल द एलिजिबल पर्सन, और उनको लिए भी जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ताकि वो सीखें, मेरे एक्सपीरियंस से कुछ कुछ सीख सकते हैं। थैंक यू।